आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। इच्छाओं के विरुद्ध प्रेम करना, किसी की इच्छा है नहीं फिर भी उसे आप पाना चाहते हो, कोई आपको चाहता नहीं पर आपकी का मोह उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है और आप उसे प्रेम कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है आप उसे पाने के लिए लालायित बैठे हो, कोई व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता और आप उसके दीदार करने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हैं, कोई इंसान आपसे बहुत झगड़ा करता है और आप प्रेम की उम्मीद करते हैं। ये समस्या आम है प्रेम करने में, रिलेशन में, संबंधों में, रिश्तों में ये समस्या बहुत आम है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसी बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जीरा, हाँ हाँ खाने वाला थोड़ा सा जीरा आपके अपने मन का बन सकता है हीरा, या तुम्हारे मन का जो हीरा है उसे दिलाने के लिए बहुत कारगर है जीरा। जानिए पूरा विश्लेषण। कुछ बिखर चुका था पर मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो आइए और जुड़ जाइए आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी, सिद्ध ज्योतिष गुरु, विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करने का एक अनूठा संगम का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किसी भी तरह की समस्या का सीधा समाधान का केंद्र लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 4,000 से ज्यादा रिसर्चर हैं, यहाँ पर 10 से ज्यादा भाषाओं पर काम किया जा रहा है, यहाँ 100 से अधिक सेंटर बनाए जा चुके हैं आपके लिए, और अब तो आपको पता है कि आपका चैनल लाइव है। आपको हम पहले बोलते थे किसी और चीज को मत देखो, हम हमेशा कहते थे कुछ और मत देखना, जब देखना कुछ अच्छा देखना। तो अब तुम्हारे पास एक साधन हो गया है 24/7 का, जब कोई काम नहीं हो आपके पास तो आप LWA यानी लव विद एस्ट्रोलॉजी को 24 घंटे देख सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे लाइव एक चैनल चल रहा है जिसका नाम LWA यानी लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक चम्मच जीरा आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है, मैं कह रहा हूँ एक चम्मच जीरा आपके मन का हीरा बन सकता है, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर इनकार था, जहाँ पर इकरार था, जहाँ पर झगड़ा था, जहाँ पर प्रेम था, जहाँ पर किसी को पाने की इच्छा थी, जहाँ पर किसी को पा लेने की, अपनी तरफ ले आने की भावना थी, जहाँ पर बहुत सारे द्वेष थे, पाखंड था, विवाद था, असमंजसता थी, कंफ्यूजन था, उन सब चीजों को प्रेम कहते हैं। प्रेम को सही तरीके से समझने के लिए आज जीरे को क्यों लिया गया है, जीरा ऐसी क्या चीज करता है, क्यों पाक शास्त्री जीरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, और हाँ आयुर्वेद में इसका बड़ा स्थान है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जीरा बड़ा काम करता है। ऐसे ही आपके लव लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, लव लाइफ में पाचन तंत्र ठीक हो जाए उसके लिए जीरा कैसे काम आएगा, आज उस पर पूरा विश्लेषण है। आपको पता है यहाँ रोज बताए हुए उपाय 1, 2, 4, 6, 10 लोगों को फायदा नहीं करते, कुछ 100-200 लोगों को भी फायदा नहीं करते, हजारों लाखों लोगों को मजबूत बनाना, स्पेशल बनाना, कीमती बनाना, सुंदर बनाना और बहुत खास करना, ये इस पाठशाला में, इस कक्षा में, इस एजुकेशन सेंटर में अपने जीवन में प्यार भरना सीखते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद कि इस चीज को आप रेगुलर कर रहे हैं। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी बहुत जल्द जियो पर
एयरटेल पर, टाटा पर और अन्य अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जो LWA है, इसे आप 24/7 बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे, जिसमें MX Player, G5 ऐसी कितनी ही प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करेंगे, अभी तो आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं कि आपके लिए 24 घंटे प्रयत्नशीलता बिल्कुल जारी है, रेगुलर निरंतरता कंटिन्यूटी में बढ़ाई जाती है। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा जीना आपके लाइफ को ठीक कर सकता है, पूरा विश्लेषण बताऊंगा इस पर, लेकिन उसके पहले छोटे से वाइस प्रेसिडेंट। हेलो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप में नोट भेजा था, इसलिए आपका बहुत बहुत फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, परमात्मा शिव आपके जीवन को खोज करे, प्रसन्न करे, आनंद करे, समस्त करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, परमात्मा सब चीजें। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा जीरा, जीरा एक्चुअली तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। जीरा पाकशास्त्रियों के लिए, किचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, आपको और गोरा होने के लिए, आपको सुंदर बनने के लिए, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए कितनी ही जगहों में जीरा काम आता है। आज मैं कह रहा हूँ कि वही जीरा आपके अपने लाइफ में भी बहुत काम करे। जीरे की अपनी एक ताकत है, जीरे का अपना एक अलग स्वभाव है, एक अलग व्यक्तित्व है। जीरा एक्चुअली जीवित प्राणी है। मैं आपको आपके खाने से हेट नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं बताऊंगा कि वो कैसा दिखता है, कि क्या उसकी आकृति और क्या उसका स्वरूप है। तो उतनी दूर तक नहीं जा रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि जीवित प्राणी है, एक जीवित व्यक्ति है, और सच मानो उसके अंदर वही आकार, वही स्वरूप और पूर्ण ही प्राण है। और हाँ, एक्चुअली कि ये गंधर्व होता था, बट कथाओं में आता है कि गंधर्व था जिसने कुछ श्राप की वजह से वो एक औषधि सामग्री लिया और लोगों के जीवन को। जब वो गंधर्व होता था तो उसके जीवन में प्यार सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, पर पूरी की पूरी दुनिया में जीरा से कभी भी किसी ने प्यार को कुछ नहीं समझा। उदाहरण में बहुत सारे आए, वो जीवों का जीरा और जन्म क्या, लेकिन जीरे को प्यार के लिए उपयोग किया गया, क्योंकि वहां साफ साफ पता है, जहां से ये पता चलता है कि वो गर्भ था, जहां से ये पता चलता है कि वो शाप की वजह से, वो विश्वामित्र की कृपा की वजह से वो सामग्री को या वहीं से ये पता चलता है कि ये एक ऐसी सामग्री है जो जीवन में प्रेम और संबंधों और रिश्तों के लिए खान पान में तो पूछ कर इसका असली उपयोग क्या है। और क्या क्या लिखा है, अद्वैत संखार्य कथन स्वपाद्य कार्यम यदुख समंच दूसरा कुछ उपयोग ही नहीं है, दूसरा कुछ उपयोग नहीं है, फिर भी हम इतने सारे उपयोग करते हैं और कहते भाई से पता नहीं आया, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जरा समझने की कोशिश करना। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताएं थोड़ी भिन्न है। हम राधा कृष्ण की पूजा तो करेंगे, लेकिन राधा जैसी लड़की नहीं करेंगे। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो भगवान ने किया या जो कहा है, पर अपने घर में बाहर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, कौन चाहता है उसका सगा पुत्र 14 वर्ष में। ऐसी कितनी ही चीजें, तो हमारे यहाँ मान्यताएं और संस्कार कुछ इस ढंग के हैं कि हम ऐसी चीजों को गुप्त रूप से छुपा के रख देते हैं ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर दे, और ऐसा गुप्त कर दिया कि वो कभी खुला ही नहीं, तो आज तरह स्वीकृति है ही नहीं,
चाहत है ही नहीं और वो चाहता ही नहीं है या वो चाहती ही नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना। इसके बावजूद भी अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ जीरा जा सकता है, सिर्फ जीरा से कर सकता है, सिर्फ जीरे में वो ताकत है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि हरे कलर के कपड़े में, ग्रीन कलर के कपड़े में एक चम्मच जीरा बांधकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें और या तो अपने गुप्तांग के पास में कुछ देर तक रखें। अब दोनों का भाव अलग है। अगर ऐसा भाव है कि कोई झुक के रहे तो सकारात्मक वाला रखना, जो सच में जिसे उससे सच में अपने साथ गलत रूप में इस्तेमाल करोगे तो काम नहीं करेगा। ये मिला के बाद अगर आप चाहते हो हर हाल में हो तुम्हारा ही प्यार तुम्हारा ही रहे तो ये बड़ा कारगर होगा, ये बहुत स्पेशल हो जाएगा आपके लिए कि आप उसे तांग। अगर आप चाहते हैं सामान्यता उपाय करना तो आप ऊपर की पॉकेट में अपने हृदय के पास कुछ देर तक रखना है और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक जल के पात्र में उसे रात भर के लिए डुबा दें। अब आपने क्या किया, कई सारी एनर्जियों को एक साथ संग्रहित कर और उसे उठा करके रात भर सोख करने के लिए छोड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा स्पेशल पूजा पानी चढ़ा भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, लोग तुलसी में जल चढ़ाते हैं, लोग सूर्य को जल देते हैं। जल चढ़ाना विश्व का सबसे बड़ा पूजा है, इस पर फिर कभी बात करते हैं। उस जल में आप उसे जब डुबा के रखते हो ना तो आप समझो स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, यावत समझो यावत अभिषेकं क्रियान् सस्यात् तावत् भूमौ भविष्यति। जिस प्रकार से पृथ्वी को आसमान भिगोता है अपने प्यार, आप उस प्रकार से उस भावना से रात को उसे सूख कर जल को, उसके बाद कहीं कच्ची जमीन में वो पानी डाल दे और जो आपकी पोटली है उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। दो अलग अलग काम, जो जल है उसे कच्ची जमीन में डाल दे, क्यों, ताकि वो सोख जाए पूरा का पूरा जमीन। यावत् भूमौ समाप्स्यात्, जब तक वो पूरा पीना चाहिए तब तक उसे कच्ची जमीन में डाल, और उस पोटली को जो आपने बनाया है उसको बहते हुए जमीन में डाल। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कोई भी नदी आपको मिले उसमें ये सब चीजें देखना, तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे प्यार रूपी सरोवर में क्या लहरें बढ़ेंगी, किस प्रकार से स्वीकृति आपके तरफ से नहीं सामने वाले से भी आएगी, सामने से कैसा एक्सेप्टेंस तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कितना अद्भुत प्रेम का आभास होगा आपको। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरे मन के साथ करिएगा, पूरा जुड़ के रहिएगा, पूरा प्रयत्न करिएगा कि गुरु चरणों में राग रख सके, क्योंकि गुरु का आदेश होना इस कार्य में बहुत आवश्यक होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए, हर आधे घंटे में बड़ा करने की कोशिश करिए। पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना परेशान होना निगेटिव सोचना उल्टा सीधा विचार करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके काम बहुत बढ़ जाए, छोटी सी चीज को बहुत छोड़ना चाह रहा हूं हर दिन की तरह उन ख्यालों में जहां सिर्फ हो सकते।